समय नहीं हुआ है। आज आंखों से देखने के लिए मिल रहा है, साचे लोगों की कदर नहीं है। और जो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं उनमें दो चार को सांचे निकले हैं तो निकले हैं है? उन्हें लोग सम्मान देते हैं। और जो सीधे साचे लोग हैं उनसे पागल कहते हैं। कैसा है ये कलयुग का रंग, इस कलयुग में हो रहा है धर्मराज जो कह करके गए हैं, आज आंखों के सामने आ रहा है। बताया ये जाता है इधर जब धीरे धीरे वहां पर खड़े हैं, एक बात कही है कलयुग आगे बढ़े, कहने लगे महाराज धर्मराज तो हमारी जो भी बातें हैं बुराई कर रहे हैं। कहने लगे धर्मराज हमारी बुराई तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई है वो तो धर्मराज कर ही रहे हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छा ही भी है। तब तक आगे बढ़े हैं धर्मराज, कहने लगे महाराज ये कलयुग है और इसकी बात नहीं मानना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये कलयुग है, जो तुम इसकी बात मानोगे आज हमारी ये दशा बन गई, अभी तो इसने अपना राज्य नहीं जमा पाया। और तभी हमारी ये दशा बन गई जब इसने राज्य जमा लिया तो इस कलयुग में आगे चल के होगा क्या। बताया ये जाता है धर्मराज ने जो बात कही, कलयुग आगे बढ़े, एक बात कहने लगे कलयुग महाराज परीक्षित से कि महाराज एक बात हमें ये बताओ कि हर इंसान ये कहता कि कलयुग खराब है, कलयुग खराब है। अरे हम किसी के पास कहने के लिए तो ये नहीं गए कि तुम गलत काम करो, लेकिन लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि कलयुग खराब है। तुम्हें नहीं पता है महाराज परीक्षित, कलयुग कहने लगे परीक्षित से तुम्हें नहीं पता है। बोले अरे खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को तो सुन लगा, बोले हैं एक बात हमें ये बताओ। अरे 7 साल के प्यार रचा बेले बेलो छुपराए, देखा होगा आप लोगों ने उम्र कम से कम 50-60 साल की हुई है और उनकी शादी भाई ना हो, उनसे जाकर शादी करोगे तो उम्र का ना देखें कहे हाँ तैयार है, हमने देखा है ऐसे है तो। अरे 7 साल के बिहार रचा बेले बेलो छुपराए, वरना बन पलकी में बैठे ते कर कंगन बंधा पाए, पर सवाला की बनानी
कलयुग में जो हो रहा है इंसान बहुत बदल चुका है। लोग कलयुग को दोष देते हैं लेकिन कलयुग में कमी नहीं है, कमी खुद हम में और आप में कमी है। देखा होगा आप लोगों ने इंसान हर प्रकार से बदल चुका है, और इंसान ही नहीं इंसान के विचार बदल चुके हैं और इंसान भी पूर्ण तरीके से बदल चुका है। भक्तों, एक विद्वान ये कहता है वही जमी है, वही आसमां है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, लेकिन इंसान धीरे धीरे बहुत बदल गया है। कैसे? कि सूरज न बदला, चंदा न बदला, और बदला न जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना सूरज न बदला, चंदा न बदला, बदला न जमी आसमान, चंदा न बदला, बदला न जमी आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, इंसान हर तरीके से बदल चुका है और विचार भी बदल चुके हैं। महाराज परीक्षित खड़े कहने लगे क्या करें, धर्मराज आगे बढ़े करोगे क्या, ये कलयुग है अपने मोह से अपनी बड़ाई करेगा और इसकी बातों में नहीं आना। बातों में जो तुम आ गए तो तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। भक्तों, ये बात जब कही है तो कलयुग कहने लगे हैं महाराज जो भी हमारे अंदर बुराई थी वो तो तुम्हें धर्मराज ने बता दी, लेकिन हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी है, वो भी आप समझो क्या है। तो कहने लगे हैं वो कलयुग आगे बढ़कर के महाराज सतयुग त्रेता में कोई भी गलत विचार इंसान के मन में आ गया तो उसे मन सा पाप लग जाता था, लेकिन हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कैसा है? तो कहने लगे हैं बोले सतयुग त्रेता में सोच लिया, सतयुग त्रेता में सोच लिया वो मनसा पाप कहता है, वो मनसा पाप कहता है, सतयुग त्रेता में सोच लिया वो मनसा पाप कहता है महाराज, लेकिन कलयुग में किए बिना कोई दोष नजर नहीं आता है, कोई दोष नजर नहीं महाराज। सतयुग त्रेता में किसी भी इंसान के मन में जो गलत विचार आ गया
कैसे भी गलती से सोच लिया उसने तो उसे मनसा पाप लग जाता था। लेकिन हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कैसा है? बोले हमारे कलयुग में ऐसा है, जो तुम गलत काम करोगे तभी उसका परिणाम मिलेगा, और नहीं करोगे तो कोई परिणाम नहीं है। और लेकिन एक और अच्छाई है, मन में गलत विचार आ गया कोई परेशानी नहीं, उस गलत काम को करो नहीं, बस जब करोगे नहीं तो उसका फल मिलेगा नहीं। हमारे इस कलयुग में ऐसा है, जो अंग पाप करता उसी को भोगना पड़ता है। और बोले हैं कलयुग आगे बढ़ करके, अरे जो अंग पाप करे सोई अंग भोग रे, जो अंग पाप करे सोई अंग भोग रे, सोई अंग भोग रे, सोई अंग भोग रे, कहने लगे हमारे इस कलयुग में ऐसा है जो